सुप्रीम कोर्ट आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के मामले में संज्ञान लेते हुए सुनवाई किया है। रेप और मर्डर जो घटना हुई थी एक जूनियर डॉक्टर के साथ, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आईबी चंद्रचूड़ के साथ दो अन्य जजों ने मिलकर इस मामले में सुनवाई की है। राज्य सरकार केंद्र सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा को हर हाल में उपलब्ध कराने और उसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस रेप और मर्डर कांड को वहाँ के प्रिंसिपल ने सुसाइड का रूप देना चाहा। मालूम हो कि मुजफ्फरपुर में भी जिस तरह से घटनाएं घट रही है, पारू कांड को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जो मुख्य अभियुक्त संजय राय और उसके साथ चार अन्य अपराधी की भी गिरफ्तारी हुई है और उस गांव में दहशत और हंगामा करने वाले लोगों को प्रताड़ित करने वाले तथा कथित कुछ उपद्रवियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित पारू थाना के लालू छपड़ा गांव में एक बच्ची के साथ दरिंदगी और उसकी हत्या को लेकर मुख्य अभियुक्त संजय राय गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस ने अभी ये नहीं बताया है संजय राय की गिरफ्तारी कहां से हुई है और कब की गई है। अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने एसआईटी के तीन टीम का गठन किया था। चर्चा है कि नेपाल से संजय राय को लाया गया है। कई दिनों से पारू का इलाका गरमाया हुआ था। यह इलाका उग्रवाद से भी प्रभावित रहा है। सीधा सीधा इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से अपनी नजर बनाए हुए थे। लगातार इस मामले का अपडेट आईजी और एसएसपी से लिया जा रहा था। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया है कि अब पूरे इलाके में स्थिति काबू में है। पारू कांड के मामले में 11 तारीख को सबसे पहले एक बच्ची के अगवा करके ले जाने की मामले को लेकर चर्चा शुरू हुई थी। दूसरे दिन उसकी लाश मिली और तब उसके साथ दरिंदगी का मामला आया। 7 दिनों तक पुलिस अभियुक्तों को खोजती रही, लेकिन जब कोई अभियुक्त सामने नहीं आया कोर्ट के आदेश के बावजूद, तो मुख्य अभियुक्त के घर पर इश्तिहार पुलिस ने चिपकाया और शनिवार को 12 बजे उत्तर प्रदेश के तर्ज पर पूरा मकान खाली कर बुलडोजर से उसके घर को तोड़ दिया गया था। और इसके कल होकर भीम आर्मी का मामला सामने आया और लगातार वहां पर नेताओं का आना भी शुरू हो गया था। इस मामले को लेकर जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग भी हो रही थी। शहर और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए थे। आम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।